एवरीवन, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम प्रियांशु गुप्ता है। वेलकम टू प्रियांशु व्लॉग्स यूट्यूब चैनल। तो अभी हम जा रहे हैं भैया एयरपोर्ट, क्योंकि मुझे यूएसए जाना है और रखड़ी आ गई है। मासी के यहाँ जा रहा हूँ और बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी और कोई कुछ भूला तो नहीं हूँ ना। डॉक्यूमेंट ले लिए हैं और सारे डॉक्यूमेंट ले लिए मैंने। लेट्स सी क्या होता है। अजीब भी लग रहा है और चलो अब चलते हैं। तो अभी मैं एयरपोर्ट के लिए निकल रहा हूँ। तो अभी मैं टर्मिनल 3 पे जाऊँगा। 9 बजे की सुबह की फ़्लाइट है, तो ऑन बोर्डिंग पास लेना है। चेक इन हो चुका है। एक बैगेज है मेरे पास, तो $30 का बैगेज पड़ा और अप एंड डाउन जो कॉस्ट थी वो थी $800। लेट्स ओवर द बेस्ट। तो चलो चलते हैं। हम पहुंच चुके हैं। मास्क रिक्वायर्ड है। फॉर्चुनेटली मैं अपना मास्क लेके आया था। एयरपोर्ट पे मास्क रिक्वायर्ड है, वैसे रिक्वायर्ड नहीं होता। तो चलो चलते हैं। ये मेरे दो सामान है, यहाँ से ये ट्रॉली ले लेता हूँ। चलो मैं ये ट्रॉली ले लेता हूँ, फिर वो सामान रख के चलते हैं। कोई छोड़ने वाला आया नहीं है तो इसी वजह से। चलो चलते हैं। चलो वही है, सामान तो रख लिया, अब अंदर जाना है। अंदर चलते हैं। अब शुक्र है मैं मास्क ले आया, नहीं तो अब तो ज़रूरी है नहीं, बस के अंदर भी ऐसे घुस जाता था। चलो अब चलते हैं अंदर। सो यहाँ पे आप चेक इन कर सकते हो, बट मैंने अपनी ऑनलाइन चेकिंग कर ली है, तो हम यहाँ पे वेट कर लेते हैं। यहाँ पे बैगेज ड्रॉप करना है, तो अभी बैगेज ड्रॉप करेंगे। पे कर चुका हूँ ऑनलाइन। आप चेकिंग के टाइम भी पे कर सकते हो। तो अभी मेरे पास सिर्फ दो बैग है, एक कैबिन बैग है एक नॉर्मल बैग है। तो कैबिन बैग मैं अपने साथ रखूँगा और जो नॉर्मल बैग है वो जो 23 kg वाला है उसको मैं सबमिट करा दूँगा। तो बैगेज ड्रॉप करके फिर आगे जाके चेक इन होगा। तो जो भी डॉक्यूमेंट पूछेंगे मैं बता दूँगा। भैया मुझे ना इंडिया भी जाना है। काश मैं PR हो जाऊँ, फिर मैं इंडिया चला जाऊँ। तो माहौल बहुत अच्छा है, आप देख सकते हो एयरपोर्ट पे बहुत अच्छा माहौल है। तो चलो चलते हैं। थोड़ा सा वेट कर रहे हैं, सारे लोग अभी लाइन में लगे हुए हैं ताकि बैगेज जमा करा के फिर पोर्ट से एंट्री ले ले। तो डॉक्यूमेंटेशन मैं सारे लेके आया हूँ, मैं नहीं चाहता कि कोई डॉक्यूमेंट रह जाए, अदरवाइज़ मुश्किल हो जाएगी। तो चलो चलते हैं, मैं वेट कर लेता हूँ। तो गाइस मैं गलत लेन में था। पहली लेन जो है वो डायरेक्ट USA की, बट मेरी डायरेक्ट USA की फ़्लाइट नहीं है, मेरी ब्रिटिश कोलंबिया पहले लेओवर है। वहाँ पे लेओवर होने के बाद उसके बाद है सारा कुछ। तो चेक इन तो हो चुका है, अब देखते हैं बैगेज कहाँ छोड़ते हैं। मैं अभी पूछ लूँगा, बात कर लूँगा और पता लग जाएगा। चलो चलो। तो गाइस मैं आया था दूसरे पोर्टल पर, क्योंकि मेरा जो है लेओवर है ब्रिटिश कोलंबिया में, जैसे मैंने आपको बताया था। तो हुआ क्या कि मैंने वो पूछ लिया एक अंकल से, वो डायरेक्ट USA की फ़्लाइट थी, एक थी ब्रिटिश कोलंबिया में जो लेओवर था, ठीक है। तो अब मैं उधर आया हूँ, यहाँ पे चेक इन करना है बैग का, क्योंकि एक तो ऑनलाइन चेकिंग होती है, दूसरे मैंने चेक इन करना है वो टैग टूग लगाते हैं ना, तो वहीं पर मेरी 9 बजे की फ़्लाइट है, तो मैं 7 बजे आ गया था। तो चलो चलते हैं। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, विश मी ऑल द वेरी बेस्ट। तो अभी मैं वेट कर रहा हूँ, आधा घंटा लग जाएगा यहाँ पे, तो चेक इन करके फिर बताता हूँ। तो गाइस चेक इन हो चुका है, आप देख सकते हो मुझे मिल गया मेरा। चेक इन के बाद मिल जाती ना टिकट, और B40 है और आगे जाना है सिक्योरिटी चेक के लिए। तो मैं सिक्योरिटी चेक के लिए जा रहा हूँ। मेरा मैंने बैग दे दिया, अब वो बैग का ध्यान रखेंगे। चलो चलते हैं। मुझे यार इंडिया वाली फीलिंग आ रही, मुझे इंडिया भी जाना है। भगवान करे मेरी PR हो जाए, मैं जल्दी इंडिया जाऊं। मॉम डैड की बहुत याद आ रही है यार। चलो चलते हैं। तो भाई साहब टाइम लग रहा है, चेक इन हो चुकी है, लेकिन चेक इन के बाद अब सिक्योरिटी में लाइन बहुत लंबी है,
तो अभी अभी 15-20 मिनट हो गए, 25 मिनट, तो अभी सिक्योरिटी के बाद देखते क्या होता है, फिर मैं आपको सारी जर्नी दिखाऊंगा, ठीक है? चलो चलते हैं। सिक्योरिटी चेक हो गया है और लैपटॉप और जो इलेक्ट्रॉनिक्स थी वो अलग रखी थी और बेल्ट अलग रखी थी और बस अब चलो चलते हैं। ये देखो पीछे का नज़ारा, लोग खा पी रहे हैं, अभी ड्यूटी फ्री भी आ गया है तो यहाँ पे आप खा भी सकते हो। मेरा भी मन कर रहा है कि खा लेते हैं। कितने बजे की फ्लाइट है? 9 बजे की है, 1 घंटा पूरा पड़ा है, कुछ ऑर्डर करके खा ही लेते हैं। चलो चलो हम ऑर्डर कर लेते हैं यहाँ पे, तो ऑर्डर कर लेते हैं, खा लेते थोड़ा और खा लेते बैठ जाते हैं, थका हुआ मैं भी, मैंने कुछ खाया नहीं है। चलो तो भैया भूख लगी थी और ये आप देख सकते हो मैंने जूस और बर्गर मंगा लिया और बाहर का नज़ारा देखो कितना अच्छा है। मेरे हिसाब से बेस्ट अब वहाँ पे वो वाइस जेट है मेरा, तो उधर जाना है। अभी 9 बजे हैं, अभी तो कितने बजे हैं, अभी तो 8 बजे हैं, तो उधर जाना है, तो अभी जाऊँगा थोड़ी देर में, तो तब तक खा खू लेते हैं, कुछ खाया नहीं है तो खा लेते हैं। और मासी से मिलने जा रहा हूँ, बहुत टाइम हो गया। ये वही मौसी हैं जिनकी वजह से मैं आज हूँ, मेरी माँ की वजह से, मेरे मॉम डैड की वजह से, और इनका सबसे बड़ा हाथ है। इनका कभी भी मैं थैंक यू नहीं कर पाऊँगा क्योंकि इन्होंने मुझे संभाला है, मतलब बच्चे की तरह संभाला है। जब मैं कनाडा आया था तो इन्होंने मुझे संभाला था, मींस कॉल पे रहते थे, पूछते रहते थे कि प्रियांशु बेटा खाना खाया कि नहीं खाया और कैसे चल रहा है, फ़ीस की प्रॉब्लम तो नहीं। अब दिव्यांशु की भी फ़ीस इन्होंने की थी। अब देखो पैसे तो चुका दूंगा, ठीक है, बट जो ऐसे लोग ना हीरो की तरह होते हैं, आपको ज़िंदगी में भी नहीं भूलना चाहिए ऐसे लोगों को, ठीक है। जिन्होंने बुरा किया आपके साथ उनका भी शुक्र गुजार रहो, ताकि उन्होंने आपको बुरे हालातों से निकलना सिखाया, तो उनका भी थैंक यू करो। जिन्होंने आपका अच्छा किया उनका भी थैंक यू करो। तो वही है, बस मेरे दिल में बहुत बड़ी जगह इनके लिए, तो बस यही है। तो चलो खा ले तो मैं तो ये टॉनी भाई हैं अपने, ऐसे दिखेंगे आपको सीधा। तो अभी मैं खाना खा रहा था, मैंने कहा टॉनी भाई, यही हमारे ग्राफिक डिज़ाइनर है जो आप अच्छे अच्छे थंबनेल देखते हो, ग्राफिक देखते हो, तो यही है। अभी ये व्लॉग भी इसी से एडिट कराऊंगा मैं, अच्छी एडिट करना टॉनी तो अभी काम कर रहा है टॉनी, तो मोबाइल चार्ज पे लगा था इसलिए मैंने टेढ़ा रखा है। तो बस आधे घंटे में निकलते हैं, बाय कर दो टॉनी सबको, बाय बाय गाइस, चलो टेक केयर। और जसकरण कैसे हो आप? बढ़िया बढ़िया। तो जसकरण हैगा अपना रूममेट, ये पहले था, तो अभी ये ब्रैम्पटन में है ना लोकेशन, अभी ब्रैम्पटन में है भाई अपना, यहाँ से अच्छी आएगी पिक्चर तो अभी बस आधे घंटे में हमारी फ्लाइट है तो निकलना है, तो बाय कर दो और जसकरण सबको। टॉनी भाई ये तो गाइस मैं चलता हूँ, चलो चलते हैं फ्लाइट के अंदर, वो वेट कर रहे होंगे हमारा, तो चलो।
पहुंच चुके हैं और मैं सभी के जाने का वेट कर रहा हूं क्योंकि बहुत भीड़ भड़ाका एरिया भैया। मैं तो कह रहा हूं सभी पहले चले जाएं फिर मैं आराम से चला जाऊंगा। चलो अब सभी निकल रहे हैं, चलो चलते हैं। तो भैया चलो चले। अब तो यहाँ पे शायद देखते हो कितने बजे का है। अब यहाँ पे ले ओवर है, फ्लाइट कितने बजे की मैं मुझे चेक करना पड़ेगा। अरे मैं तो थक गया हूँ, तो चलो चलते हैं। पहले मुझे देखना पड़ेगा, चलो चलते हैं पहले। सो गाइस 11:55 की है, E78 गेट नंबर है, तो चलो चलते हैं। हाय E78 पोर्ट। ठंड लग रही है, ठंडा एरिया है, बट चलो चलते हैं। E78 पे जाना है हमें। देख सकते हैं ई है USA कनेक्शन, तो हम पहले ई में जाएंगे, तो सीधा जाना है हमें। तो सबसे पहली चीज़ मैंने ये नोट की है कि जब भी आओ, ठीक है, सबसे पहले तो आपका चेक इन होता है, एक ऑनलाइन चेक इन होता है, उसके अंदर आप बैग बाय कर सकते हो अगर आपने बैग नहीं बाय किया। फिर उसके बाद फिर आपका चेक इन होने के बाद सिक्योरिटी होती है, फिर जब आप एक बार अंदर आ गए फिर दोबारा सिक्योरिटी नहीं होती क्योंकि आपने ऑलरेडी सब कुछ करा लिया। अब मेरा पोर्ट है E78, तो हम जा रहे हैं E78 की तरफ। ई गेट है वो, देखो US का है, तो चलो चलते हैं। यहाँ से पोर्ट की एंट्री हो गई थी और सिक्योरिटी वाले ने दोबारा चेक किया। अब हम जा रहे हैं E78 पे। E78 पोर्ट जो है वो US का है। पहली बार US जा रहा हूँ मासी को मिलने, बहुत टाइम हुआ है, अच्छा फील हो रहा है, चलो चलते हैं। तो देख लो, खेलो खेलो। तो एक चीज़ ये पता लगी है कि सिक्योरिटी चेक अगर होता है, मेरी फ्लाइट जो है वो 10 मिनट में है ना, तो फ्लाइट वालों को पता है कि यहाँ पे सिक्योरिटी चेक हो रहा है, तो मुझे कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैंने अपने बैगेज तो रख लिए हैं और लाइन बहुत लंबी है, तो 11,000 लोग जा रहे हैं, तो डेफिनेटली मैं आपको बताऊँगा, सारी अपडेट करूँगा। तो चलो वेट कर लेते हैं, आधा घंटा तो लग जाएगा मेरे से। सो फाइनली गाइस मैं USA लैंड हो चुका था, बट मैं इतना थक गया था कि मैं लास्ट वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाया। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट ऑन करना अगर आप USA आओगे तो कौन सी जगह आना चाहते हो आप, ठीक है। और बस ऐसी USA की वीडियो सब आती रहेंगी, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।